नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टेक टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फोन पे के कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हो, और दोस्तों मैं बात करके भी दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार आप रिचार्ज करते रहते हो और रिचार्ज फेल्ड हो जाता है और आपके पैसा वापसी भी नहीं मिलते हैं, 2-3 दिन के अंदर भी आपके अकाउंट में नहीं आता है। कई बार होता है कि आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो लेकिन जिसको भेज रहे हो उसको भी नहीं मिलता और आपका पैसा आपके बैंक में भी रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे केस में आप कस्टमर केयर से बात करके अपना पैसा रिफ़ंड करवा सकते हो। तो दोस्तों, वही आज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ और दोस्तों आपको बात करके दिखाऊंगा कस्टमर केयर से। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फ़ोन पे के कस्टमर केयर से बात करने के लिए सबसे पहले आपको डायल करना पड़ेगा 0808072374। दोस्तों, ये नंबर देख लीजिए 0808072374, और जो भी आपका फ़ोन पे रजिस्टर्ड नंबर है उससे कॉल कर देना है। एक दबाए फॉर इंग्लिश प्रेस 2। तो दोस्तों, हिंदी के लिए आपको एक दबा देना है। यदि आपको OTP, UPI पिन, फोन पे पासवर्ड या कार्ड विवरण जैसे गोपनीय जानकारी के लिए कोई भी कॉल प्राप्त होता है तो कृपया इन विवरणों को किसी के साथ साझा न करें। कृपया ध्यान दें कि फोन पे इस तरह के विवरण कभी नहीं पूछेगा। फोन पे अकाउंट पर अपने रजिस्टर्ड नंबर 9199905018 में किसी समस्या के लिए 1 दबाएं, किसी अन्य फोन पे अकाउंट के लिए 2 दबाएं। दोस्तों, आपको फिर से 1 दबाना है। यदि आप पहले ही अपनी समस्या हमें बता चुके हैं और उसकी स्थिति जानना चाहते हैं तो 1 दबाएं। कैशबैक और ऑफर्स के लिए 2 दबाएं। रिफंड से जुड़ी किसी समस्या के लिए 3 दबाएं। म्यूचुअल फंड से संबंधित हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी जल्द ही लाइन पर उपलब्ध होंगे। ये कॉल फीडबैक उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग फोन पे, माय नेम इज संघर्ष, हाउ कैन आई हेल्प यू? नमस्ते सर, ऐसा है कि सर, जब हम फोन पे ऐप को डिलीट कर देते हैं फिर भी हमारा बैंक अकाउंट लिंक रह जाता है क्या? फोन पे एप्लीकेशन को आप डिलीट कर देते अपने मोबाइल से, और बैंक अकाउंट जो लिंक किया वो लिंक ही रहता है, कोई और पैसा ट्रांजेक्शन करता है तो होते रहता है। जी हाँ सर, आप तो दोस्तों मैंने आपको डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे बात करके दिखाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।